देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। दिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। आज महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे उद्धव ठाकरे। शिवाजी पार्क में शपथ समारोह का होगा आयोजन। शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए उद्धव ने पीएम मोदी को भेजा न्योता। महाराष्ट्र में अजीत पवार के घर के बाहर जुटे बारामती सोलापुर के किसान। पासवान ने खड़े किए हाथ, दिसंबर से पहले नहीं मिलेगा सस्ता प्याज। उपचुनाव को लेकर बंगाल की 3 और उत्तराखंड की 1 सीट पर मतगणना शुरू। मंदी के दौर में अच्छी खबर, इस साल भारत में 1200 इंजीनियरों की भर्ती करेगी सैमसंग। फैक्ट चेक, अफवाहों को लगे जहरीले पंख तो तितली बनी जानलेवा। महाराष्ट्र में अजीत पवार को डिप्टी सीएम ना बनाने पर किसानों ने दी धरने की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, हल्की बारिश के साथ बढ़ी ठंड। कैबिनेट से आर्म्स एक्ट में संशोधन को मिली मंजूरी, राजघरानों ने जताया ऐतराज। प्यार में नहीं बनी बात तो लड़की ने लड़के के चेहरे पर फेंका तेजाब। दिल्ली में केजरीवाल समेत अन्य के खिलाफ मानहानि का मामला, दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई आज। कन्नौज के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। बागी और विलन में एसएनसीपी के हीरो बन गए पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार। टूटती एनसीपी को जोड़ने वाली सुप्रिया ताई की बढ़ी ताकत, पार्टी परिवार दोनों संभाले। साध्वी प्रज्ञा ने संसद में गोडसे को कहा देशभक्त, विपक्ष ने पीएम से पूछा माफ करेंगे। बनायू में गुलरिया में एसडीएम और सीओ का गन्ना मंडी में छापा, 250 क्विंटल गन्ना और 4 ट्रैक्टर ट्राली जब्त। कोहरे से अयोध्या में कार सवार दंपति को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में एक युवक की मौके पर हुई मौत। कानपुर में बेकाबू टैंकर ने ली युवक की जान, परिजनों ने थाने में बॉडी रख किया हंगामा। गाजियाबाद में विधायक नंद किशोर समेत 10 पर केस दर्ज, सरकारी अफसरों से मारपीट करने का है आरोप। वाराणसी में गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव प्रारंभ। अमेठी में दीवाल काट कर दुकान से 90,000 चोरी, संग्रामपुर थाना क्षेत्र का मामला। आगरा में पेड़ से लटका मिला अज्ञात युवक का शव, हत्या कर पेड़ से शव लटकाए जाने की आशंका। हाथरस में मंदिर में पुजारी को बंधक बनाकर अष्ट धातु से बनी बेशकीमती 3 मूर्तियों की हुई चोरी। सहारनपुर में शहर के पटाखे वाली बुलेट पर लगी पाबंदी, इंस्पेक्टर ने मार्गो चौराहों पर लगाया नोटिस बोर्ड। खेल मंत्रालय ने स्पोर्ट्स में गुड गवर्नेंस के ड्राफ्ट की समीक्षा के लिए बनाई 13 सदस्यों की कमेटी। पश्चिम बंगाल में 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों के लिए मतगणना जारी। महाराष्ट्र में शिवसेना कोटे से सुभाष देसाई और एकनाथ शिंदे बनेंगे मंत्री। तमिलनाडु के 3 जिलों में आज बारिश की वजह से सभी स्कूल रहेंगे बंद। तेलंगाना में TSRTC और अन्य मुद्दों पर कैबिनेट की अहम बैठक आज। सामना केस में महाराष्ट्र में धर्म की सरकार, हुआ नया सूर्योदय। असम विधानसभा सत्र के शरतकालीन सत्र की आज से होगी शुरुआत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का वृंदावन दौरा आज। झारखंड में समलैंगिक पार्टनर से धोखाधड़ी के मामले में युवक पहुंचा हाईकोर्ट, लगाई न्याय की गुहार। कांग्रेस सीएम को सोनिया का पत्र, गर्भवती महिलाओं को सुनिश्चित करेंगे 6,000 का भुगतान। झारखंड में गृह मंत्री अमित शाह का चतरा और गढ़वा में चुनावी जनसभा आज। महाराष्ट्र में कांग्रेस के कोटे से बाला साहेब थोराट और अशोक चौहान होंगे मंत्री। गोंडा में पूर्व भाजपा नगर अध्यक्ष पर हथगोले से हमला, हमले में बाल बाल बचे पूर्व नगर अध्यक्ष। झारखंड विधानसभा के तीसरे चरण के नामांकन से नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन। मुंबई में कांग्रेस की ओर से बाला साहेब थोराट और अशोक चौहान मंत्री पद की लेंगे शपथ। BCCL कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल आज। हांगकांग लोकतंत्र समर्थक बिल पर ट्रंप ने लगाई मुहर, चीन ने दी धमकी। रॉकी की तस्वीर पर ट्रंप ने लगाया अपना चेहरा, ट्विटर पर हुए ट्रोल। अब तक 70 लाख से ज्यादा फास्टैग जारी, बिक्री में 330% का उछाल। प्रज्ञा ठाकुर के विवादित बयान पर ऋचा चड्ढा ने दिया करारा जवाब। संजय राउत ने कहा अजीत पवार को क्या पद देना है ये शरद पवार तय करेंगे। शेयर बाजार की मजबूत शुरुआत, 41,116 की रिकॉर्ड ऊंचाई पर खुला सेंसेक्स। नहीं चला एक्टिंग का जादू तो सीरियल किसर बनकर लौट रहे हैं इमरान हाशमी। एनर्जी से भरपूर है रजनीकांत की फिल्म दरबार का गाना। सेल्फी लेते वक्त काफी करीब आया फैंस, सारा ने किया ऐसा रिएक्ट। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। आपके तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।